हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी और कहीं भी हो सकती है, फिर चाहे वो चलती ट्रेन में हो या फिर कोई मूवी थिएटर में, सोशल मीडिया पर हो या फिर शूटिंग के सेट पर। प्यार तो कहीं भी हो सकता है और यही होता है हमारे मोस्ट ऑफ द स्टार्स के साथ भी, जो शो की शूटिंग करते करते अपनी रियल लाइफ स्टोरी के सपने बुनने लग जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और फिर देखते ही देखते इन्हें प्यार हो जाता है जो छुपाए नहीं छुपता। आइए मिलवाते हैं आपको टीवी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही कपल से जिन्होंने अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी कोई और हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, आमिर अली एंड संजीदा शेख। टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कपल्स में से एक रहे हैं। इस कपल की मुलाकात हुई थी इश्क वाला लव के सेट पर। हालांकि दोनों शुरू में सिर्फ दोस्त ही थे और शूटिंग्स के दौरान ऐसी कोई खास बॉन्डिंग भी शेयर नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ती गईं, वैसे वैसे ही दोस्ती भी बढ़ती चली गई, और फिर धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि दोनों ने अपने रिलेशनशिप को काफी दिनों तक मीडिया की नजरों से दूर रखा, लेकिन नच बलिए के सेट्स पर दोनों ने अपने साथ होने की बात को कबूल कर लिया। इनकी केमिस्ट्री इतनी दमदार थी कि इन्होंने नच बलिए 3 का टाइटल अपने नाम किया। अराउंड 7 इयर्स तक एक दूसरे के साथ डेटिंग करने के बाद साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी। नंबर 9, गुरमीत चौधरी एंड देवीना बनर्जी। यूं तो दोनों की मुलाकात 2006 में एक रियलिटी शो के दौरान हुई थी, जहां 30 पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में ये दोनों नाम भी शामिल थे, और इसी शो के दौरान दोनों दोस्त भी बन गए थे। और जब इन दोनों ने रामायण टीवी शो में एक साथ काम किया तो दोनों को ऑडियंस ने बेहद पसंद किया और घर घर फेमस हो गए। शो के दौरान ही दे बोथ स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर और शुरू हुआ मिलने मिलाने का सिलसिला। लगभग 5 साल के बाद एक रियलिटी शो पति पत्नी और वो के दौरान गुरमीत ने देवीना को एक डायमंड रिंग के साथ पब्लिकली प्रपोज किया, और बस देवीना ने भी एकदम हाँ कर दी और साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर 8, मोहित सहगल एंड सनाया ईरानी। दोस्तों, 2008 में आए टीवी शो मिले जब हम तुम के सेट्स पर हुई थी इन दोनों स्टार्स की मुलाकात। इस शो में दोनों रोमांटिक लीड्स में नजर आए थे। दोनों को इस शो में ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते दोनों को रियल लव कब हो गया पता ही नहीं चला, और फिर दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। दिन भर शूट के बाद दोनों रात को भी घूमने फिरने लगे, और फिर एक दिन मोहित ने सनाया को अपने दिल की बात कह दी। सनाया तो खुद कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। 7 साल डेट करने के बाद 2016 में गोवा में इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई। नंबर 7, हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान। दोस्तों, ये हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कपल्स ऑफ टीवी इंडस्ट्री। इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी साल 2001 में आए टीवी शो कुटुंब से, जहां दोनों ने ऑन स्क्रीन पेयरिंग की थी। उनकी इस जोड़ी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। शो की शूटिंग के दौरान ही दोनों की ऑफ स्क्रीन लव स्टोरी भी शुरू हो गई, और जब एकता कपूर ने दोनों को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जैसे फेमस टीवी शो के लिए कास्ट किया तो इनकी लव स्टोरी भी फेमस हो गई। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, और फिर लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन्होंने साल 2004 में शादी कर ली। नंबर 6, राम कपूर एंड गौतमी गदगिल। सोनी टीवी पर आए घर एक मंदिर टीवी शो में हुई थी इन दोनों की पहली मुलाकात। हालांकि दोनों नेचर वाइज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट। बस वही हुआ इनके केस में भी। ऑपोजिट नेचर होने के बावजूद दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगा था, और फिर शो में काम करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों का प्यार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और बात इनकी फैमिली तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, दोनों ने बिना समय गवाए शादी कर ली। नंबर 5, इंद्रनील सेन गुप्ता एंड बरखा बिश्त। प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम। टीवी शो के सेट्स पर इनकी पहली मुलाकात हुई थी। इस शो में दोनों ने ऑन स्क्रीन पेयरिंग की थी और इनकी केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया था, और फिर इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई। बरखा बताती हैं कि इंद्रनील के नीचे उन्हें काफी अट्रैक्ट करता था और जिस तरह से वो उनकी केयर करते थे, बस इसी बात से बरखा उन पर फिदा हो गई थी। दोनों ने कुछ टाइम तक एक दूसरे को डेट किया और फिर साल 2008 में शादी कर ली।
नंबर 4 संजीव सेठ एंड लता सबरवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे पॉपुलर टीवी शो ने इन दोनों को भी घर घर में फेमस कर दिया था, इस शो में इन्होंने आइकॉनिक कैरेक्टर अक्षरा के माता पिता का किरदार निभाया था। शो के दौरान ही दोनों मिले थे और फिर अच्छे दोस्त बन गए। हस्बैंड एंड वाइफ का किरदार निभाते निभाते दोनों इतने करीब आ गए कि रियल लाइफ में भी एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि संजय ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने लता जी से शादी कर ली थी। नंबर 3 रवि दुबे एंड सरगुन मेहता। दोस्तों, जी टीवी के शो 12/24 करोल बाग के रवि दुबे की मुलाकात जब हुई सरगुन मेहता से, तो उन्हें सरगुन काफी अट्रैक्टिव लगी, लेकिन सरगुन को रवि काफी वियर्ड लगे। दोनों को इस शो में ऑन स्क्रीन कपल के रोल के लिए चूज किया गया था और शूटिंग करते करते सरगुन को ये रियलाइज हुआ कि रवि और उनका नेचर काफी मिलता जुलता है। दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन गए और फिर दोनों में प्यार हो गया। हालांकि दोनों ने कभी मीडिया में अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर जब नच बली के सेट पर रवि ने उन्हें सबके सामने प्रपोज किया तो सरगुन ने तुरंत ही हाँ कर दी। इन्होंने साल 2013 में शादी कर ली और आज भी ये वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कपल्स में से एक हैं। नंबर 2 शोएब इब्राहिम एंड दीपिका कक्कर। ससुराल सिमर का टीवी शो से घर घर में फेमस हुई दीपिका कक्कर को कौन नहीं जानता। जब इनकी मुलाकात शोएब से हुई तो दीपिका अपनी फर्स्ट मैरिज के इश्यूज से जूझ रही थी। वहीं दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग ने दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया, और जब शोएब ने शो को अलविदा कहा तो दोनों को समझ आ गया कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसी बीच दीपिका भी डिवोर्स ले चुकी थी। शोएब ने दीपिका को नच बलिए के सेट पर बड़े ही फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था और फिर साल 2018 में दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। नंबर 1 विवेक भैया एंड दिव्यांका त्रिपाठी। 10 साल तक अपने को स्टार शरद मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद जब दोनों अलग हुए तो मानो दिव्यांका टूट सी गई थी। ये है मोहब्बतें में डॉक्टर इशिता का रोल से फेमस हुई दीपिका। अंदर ही अंदर अपने ब्रेकअप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि उनकी मुलाकात हुई सीधे साधे विवेक से, जो उसी शो में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले थे। एक फैन के हैशटैग विवेक टैग ने दिव्यांका को विवेक की तरफ अट्रैक्ट किया और फिर एक कॉमन फ्रेंड ने दोनों को एक दूसरे से मिलने को कहा। बस फिर दोनों की मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका ही नहीं। बात दोस्ती से प्यार और फिर प्यार से शादी तक पहुंच गई। शादी की बात दोनों की फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड की और फिर एक ग्रैंड वेडिंग के साथ दोनों लाइफ पार्टनर बन गए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपका इनमें से कौन सा फेवरेट कपल है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।